इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक को देख करके जान करके बहुत ही खुशी होगी और इसके आधार पर जो सवाल आप करेंगे उसे भी हल करके बहुत ही खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रिक। देखिए, दिया हो यदि m प्लस वन अपान एम माइनस टू इक्वल टू फोर तो m का मान क्या होगा। ठीक, और इसी तरीके से एक ट्रिक और है, यदि दिया हो m प्लस वन अपान एम प्लस टू इक्वल टू माइनस फोर तो m का मान क्या होगा। तो यहाँ पर m का मान क्या होगा और यहाँ पर m का मान क्या होगा, तो इसको याद रखना। देखो ये चार दिया है ना, ये जो चार दिया है ठीक इससे एक कम होगा m का मान, ये जो चार दिया है ठीक इससे एक कम कर देंगे वही m का मान हो जाएगा। ये चार है तो इससे एक कम करोगे तो कितना आएगा, तीन, तो m बराबर तीन आएगा इसका आंसर। ये ट्रिक है, अभी मैं सिद्ध करके भी बताऊंगा। और जब ऐसे दिया हो m प्लस वन अपान एम प्लस टू इक्वल टू माइनस फोर तो m का मान क्या होगा, इससे कम कर देंगे क्या होगा, माइनस तीन होगा। m का मान क्या होगा, माइनस तीन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इससे एक कम करने पर m का मान यहाँ से आ गया और इससे एक कम करने पर m का मान यहाँ से आ गया। इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, अभी मैं सिद्ध करा दूंगा, पहले हम इसके आधार पर एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो दिया है m प्लस वन अपान एम माइनस थ्री इक्वल टू फाइव। सवाल है m प्लस वन अपान एम माइनस थ्री इक्वल टू फाइव तो m बराबर क्या होगा। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा, तीन चार पाँच छ। अब बताइए m का मान क्या होगा इस ट्रिक के आधार पर, बताइए, प्लस वाला है ना, इस ट्रिक के आधार पर मैंने क्या बताया था, जितना यहाँ रहे उससे एक कम कर देंगे तो m का मान आ जाएगा। तो यहाँ कितना है, यहाँ पाँच है तो पाँच से एक कम करो कितना होगा, चार, तो चार यहाँ पर विकल्प बी में है। बस ट्रिक अगर जान रहे हो तो सवाल को देखते ही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसी आधार पर एक सवाल और हम लोग करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और हमारे पास और भी सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 300 से अधिक सवाल हैं अलजेब्रा के, जो x का मान, m का मान, k का मान ज्ञात करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ करके, पूरा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम भी क्लियर करोगे, आने वाले समय में बैंक, रेलवे, SSC में भी आप जलवा ही जलवा आप बिखेरेंगे अलजेब्रा के सवालों में। तो देखिए एक सवाल और है, n प्लस वन अपान एन प्लस टू इक्वल टू माइनस फोर, एन प्लस वन अपान एन प्लस टू इक्वल टू माइनस फोर तो n बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस चार, माइनस पाँच। तो ज़रा हमको बताएं आप कि ये वाला किस ट्रिक पे जा रहा है, ये वाला जा रहा इस ट्रिक पे। ये तो दोनों लगभग सेम ही है, m की जगह n आ गया है, तो यहाँ पर m बराबर तीन तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तीन तो n बराबर माइनस तीन, बस ये वाला सही है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना, आपको समझाने के लिए मैं बताया हूँ। अगर आपको जानना है कि ये ट्रिक कैसे बनी, कैसे इसका मान आ रहा है इतना ही, तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। इसी में बताने का मूड कर रहा था लेकिन सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में बताऊँ ताकि आप मेरी अगली वीडियो भी देखें, ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने में तो फ़ायदा ही है यार, नुकसान तो है नहीं। चाहे हमारा पेड क्लास लेंगे तब भी फ़ायदे में रहेंगे, फ्री क्लास पढ़ेंगे तब भी फ़ायदे में रहेंगे, मुझसे कुछ न कुछ आपको मिलना ही है। हाँ, पेड क्लास लेते हैं तो आपको A to Z सारा पढ़ा देंगे, पेड क्लास नहीं लेते हैं तो भी कुछ तो पढ़ाएंगे ही। ठीक, धन्यवाद।